खबर शामिल करते हैं जलियांवाला से, जहां सीनियर रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी राणा शफकत भट्टी के बेटे राणा मुबशिर शफकत एडवोकेट के दफ्तर का अहाता तहसील कचहरी में बाकायदा इफ्तिताह कर दिया गया। इफ्तिताह में शहर भर से सियासी, समाजी और दीनी शख्सियात के साथ साथ वकला बरादरी ने भरपूर शिरकत की। सीनियर वकला के आने पर ढोल की थाप पर भंगड़े डाले गए और फूलों के हारों के साथ साथ गुलपाशी की गई। हाजरीन से खिताब करते हुए उम्मीदवार MNA NA 96 उम्मीदवार MPA PP 100 राणा शफकत भट्टी का कहना था, वकला बरादरी को चाहिए तेज तरीन इंसाफ के लिए अपना किरदार अदा करते रहें। उन्होंने कहा, साइलीन साला साल कोर्ट कचहरियों के चक्कर लगाते रहते हैं। कोई ऐसा निज़ाम होना चाहिए कि लोगों को इंसाफ लेने के लिए सालों इंतजार ना करना पड़े। जबकि जिले जनरल सेक्रेटरी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी राणा मुबशिर शफकत एडवोकेट का कहना था कि वकालत मेरा पेशा ज़रूर है, लेकिन मैं वकालत इस अंदाज से कर रहा हूँ कि ये मेरे लिए सवाब का जरिया बन जाए और यही अंदाज आइंदा भी जारी रहेगा।